आज माती सरस्वती कोर सुमिरड कर और गुरु गोविंद के चरण मनाई माते पिता को सुमिरड करके जिनके बिंदु लय तैयब उतारी और फिर हम सुमिरी गुरी अपनी को जिनने विद्या दैति सिखाई है बजरंगी हर के संगी जंगी गदायाति हरुबारी हाँ भक्तो, मैं रविता यादव यदवंश नगर मैनपुरी से अवनीश यादव यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये वीर रस से भरपूर गाथा गजमोतिन हरड़ लेकर के चल रही हूं। कोदरकोट के राजा लक्कड़ सिंह ने किस प्रकार से गजमोतिन का हरड़ किया जरा ध्यान देंगे। और काटो शालती है जे करील को दुश्मन साले द्वारे क्यार घामु बदरिया को सालती है गोदी में साले सोती को लाल मिट्टी जहाँ भी बना फरलाल माहिल मन में यही सोचते हैं और ये सोच सोच रह जाए जब से विभा भयो मलखे को तब से मन में भयो अभिमान कैसी हरड़ी होई गजमोतिन और मन ही मन करत विचार टप 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 चले बछेड़ी और पायन में धूली उड़ाई देश देश राजन से जाके चुगली करे मही पतिराए बात बनी ना अब माहिल की मन ही मन में सोच विचार घोड़ी दई दबाई तीन दिना की मंजिल करके पहुंचे कोट कसों दी जाई जहां पे फाटके है नंगरी को वहां पे लिल्ली दई ठहराई तब दरवानी ऐसे बोले रुक जाओ घोड़ी के असवार दियो बताए और बिना बताए आगे बढ़ियो भाला पीठ पारे हुई जाए मधुरी बाड़ी माहिल बोले पहरेदार से कही सुनाए नाम हमारा नर माहिल है हम हैं उरही के महाराज मिलनो मोए है लक्कड़ सिंह से जल्दी फाटक दियो खुलाए बड़ी सवारी अब माहिल की लई बंगला के धोरो दबाए भारी राजा लक्कड़ सिंह है बरदानी महादेव क्यार बड़े बड़े योद्धा बंगला बैठे हो
तलवार बैठे यादवा और जादवा बैठे मैनपुरी सरदार नचे पितुरिया अब बंगला में रश की भरी उड़ावे तान तोलो माहिल दाखिल हो गए मित्रों बंगला के दरमियान और नजर घूम गई लक्कड़ सिंह की और माहिल को लो निहार और आओ आओ उरई वाले लक्कड़ सिंह ने कही सुनाए और पकड़ कलाई तब माहिल की अपनी बगल ले बैठार और मलखे पैदा भैंस दिशा में बन गो धवल धनी मलखानी और उनकी नारी गजमोतन है जागो रूप दो भगवान कहे और जोन रूप की गजमोतन है दूजो धरो नहीं अब तारी और रूप की अगरी गुड़ की सागर रानी जोन मलहारे क्यारे और बहुत तपस्या तुमने की नी तुमको शंकर हो वरदान और अब अजबा लियो महाराजा गजमोतिन को लियो चुराई और सुमति भाज गई असी को सिलो मत पे कुमत बैठी आए और जादने आवत हरे बिगड़न को पहले मत ये भंग हो जाए और सुनो हकीकत अब लक्कड़ की राजा कह रो ये बतलाए और हम मंगवाए गजमोतिन को तब छाती को डाह जाए और वीर भद्र है या क्या कारी शंकर हमें दयो वरदान और भूम सिंह और बिट्टू बेटा दीजो वीर सिंह सरदार और कहा मसाला है मलखे को इतनो तुमको रहे बताए और सुन के मानी लक्कन सिंह की माहिल बहुत खुशी हो जाए और मन ही मन में माहिल फूले लड्डू पेट फूट हो जाए और जोन काम को हम आए थे ईश्वर दीनो काम बनाए और सुनो हकीकत लक्कड़ सिंह की अब न राखी देर लगाए और आधी रात बजे बारे पे वीर भद्र को लो बुलाए और सुन के बाणी वीर भद्र ने तब राजा से कही सुनाए और तब ही राजा बोलन लागो वीर भद्र से कही सुनाई और पलंग ले आए वे गजमोतिन को इच्छा मेरी पूरा हो जाए
और सुन के बानी वीरभद्र ने लई सिरसा की सीध लगाए। और घड़ी न पीती ना पल गुजरो झट से पलंगा लो उठाए। और खड़ो है लक्कड़ सतखंडा पैसोवा कछु कही ना जाए। लक्कड़ मन में सोचे बाती आज मेरी किस्मत खुली गई है। राजा मन में सोचे बाती आज मेरी किस्मत खुली गई है। हाँ भक्तों, इधर माहिल के भड़काने के बाद में लक्कड़ सिंह ने वीरभद्र के संयोग से रात्रि के समय गजमोतिन को सोते समय महलों से उठवा लिया और अपने महलों में प्रवेश करवा लिया। इधर जब सुबह गजमोतिन की नींद खुली और जब गजमोतिन ने देखा ये महल हमारा नहीं है, तो गजमोतिन क्या बोली है चारों तरफ देख करके, अरे चारों तरफ गजमोतिन देखे नहीं कोई अपनो पड़ो लखाई। और सुनो हकीकत लक्कड़ सिंह की है तब अट्टा पे पहुंच गो आई। और काहे को रानी तुम रोवत हो अपनो सजना लियो बनाई। और तब ही आज गजमोतिन बोली लक्कड़ दिए जान से मारी। और याद भूल जा तुम मलखे की और लक्कड़ ने कही सुनाई। और अब सुन की बानी लक्कड़ सिंह की गजमोतिन बोली ललकारी। और गजमोतिन तभी बोलन लागी पहले हमें दियो बतलाई। और कौन है तू और कहाँ को रह भैया कैसे अट्टा लाओ लिवाई। और तब ही लक्कड़ बोलन लागो हो गजमोतिन से कही सुनाए। और नाम हमारो लक्कड़ सिंह है कोट कसौंदी के महाराज। उधर कोट के हम राजा हैं इतना सुन लो बचन हमारे। और वीरभद्र है आज्ञाकारी पलंगा तुमरो लो उठाए। सुन की बानी लक्कड़ सिंह की मजमोतिन मन करे विचार। और तब चिल्लाई गई गजमोतिन लक्कड़ दिए जान से मार। चोरी
करना तेरा पैसा चोरी करे तेरो पलवार। और नारे पराई को हर लाओ पीछे पूछ रहो फटकार। कमीनी को लड़का है काहे को बातें रहो बनाई। और तब गज मोतन बोलन लागी और बाजी से कही सुनाई। और धीमी बानी लक्कड़ बोले मक्कड़ भैया लो बुलाई। और याद भूल जा तुम सिर सागी अब ना चले हुकुम तुम्हारे। और मेरी रानी बनो पड़िए लक्कड़ सिंह ने कही ललकार। वो तब चिल्लाई कही गजमोतिन दुश्मन तेरो बुरो ही जाए। लक्कड़ सिंह से शायद तुझे पता नहीं है जो हमारी रक्षा करने वाला हमारा पति है शायद हमारे पति का तुझे नाम याद नहीं है। सुन आरे जोन पति को मैं ब्याही हूं की जग जायर तलवार। और जाद ने पता लगे स्वामी को नगर को ढेर दिए करुबाई। और शेर को भोजन कुत्ता कर जाए से जगे नई अघियार। और हंस को चुनना बगुला चुन जाए या फिर दुख कहा संसारी। और ये के बात तुमको बतलावे राजन सुनियो ध्यान लगाई। और ऐसी बैसी हम नई नारी जो तू नकड़ा रहो दिखाई। और तेरी बात को मैं ना मानू दुश्मन नजर ओटे हो जाई। और सुन के वानी गज मोतिन की लक्कड़ सिंह ने कही सुनाई। और राजी बा
और इतनी सुन के परले हुई गई गजमोतिन ने कही सुनाई। और इतनी सुन के परले हुई गई गजमोतिन ने कही सुनाई। और हमको आंखें क्यों दिखलावत उल्लू पट्ठा गधा गमार, और तेरी सिरोई तुझसे छीनू गर्दन धरे पार हुई जाए, और कर की घोर शोर गजमोतिन महलन गरज गरज रह जाए। और पांच कदम पीछे को हट गो तब गजमा से कही सुनाए, और जो तुम कहियो सोई हम करिए गजमा हमको दियो बताए। और तब ही गजमा बोलने लागी राजा सुनिए यरज हमार, और भाई बहन को रिश्ता तुमसे बाद में रानी लियो बनाए। और सुमति भज गई सौ सौ कोस लो मत पे कुमत विराजी आए, और तोलो बिटिया लक्कड़ सिंह की तुरत लागी बराबर आए। और मौसी मौसी बाबोलत है तब गजमा ने कही सुनाए। कही सुनाई और मौसी कही अरे तूने तोते को दिए मजा चखाई। और तेरो बिभारू पन बारी से बिटिया हमें दिए कराई, और डर के मारे बा बिटिया ने लई महलन की सीध लगाई। लक्कर सिंह के महल में है, इधर जब सुबह हुआ मलखान ने देखा है कि भवन के अंदर गजमोतिन नहीं है। आगे हुआ क्या, भैया मानो के कही हमार।
गजमोतिन कहीं भी नहीं मिली। मलखान ने अपने छोटे भैया सुलखे से कहा है, भैया अरे तुम तो देखोगे अमर सिरसा को और हम महुवे को के खड़े तैयार, अरे तुम्हारी भाभी कहाँ गई है आवती बात रे समझ में ना। कहने लगे, भैया क्या बात है, आपका चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। अरे तब ही अयूतल के बोलने लगे, भैया कौन रे दुखी गवाई, अरे कौन बीमारी के तुम्हारे तनों में चेहरा तुम्हारो रहो है कुमिलाई। पूछा है, भैया मलखान क्या बात है,
आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तो मलखान बोले हैं, भैया उदल, नी के भले तेरी भाभी सोई हती थी रात में, जाकर देखा तो ना मिली कमरे में अपने प्रात में, ना जाने कि तुम्हें गई कुल में लगायो दाग है, क्या कहे भैया तुझको आती तो मुझको लाज है। भैया शाम को तेरी भाभी मैंने देखी थी, महल के अंदर थी, लेकिन जब सुबह जाग करके मैंने देखा पूरे महल को ढूंढ लिया लेकिन तेरी भाभी कहीं मिली नहीं। उदल कहने लगे हैं, भैया चिंता मत करो, आरे धीरज रखियो तुम जियरा में, भैया सुनियो यरज हमारी, और अब ही पता करे भाभी को खटका पदियो बिसराई, मंदिर है शारद को वहां पे वीर पहुंच गो जाई, एक पैर पे ठाड़ो हुई गो विनती करे उदय चंद्राय, जो हमें बताई सुन की बानी बाउदल की प्रगति भई शारदा माई, बोलन लागी तब उदल से बेटा सुनियो अर्ज हमारे, वीरभद्र को आज्ञाकारी बासे गजमालई मंगाए, और गजमोतन है कुदर कोट में कहने लगी शारदा माए, सुन की बानी महारानी की बब को शेर मोहवे क्यार, जोन जगह पर मल के ठाड़े पास में पूत देवला क्यार, बताए तेरी करने को मौका नहीं अपनी फौज ले सजवाए, मजा चखावे बदमाशी को तब छाती को डाह बुझाए, और कान भनकिया लाके पड़ गई बोले मंडली कई अवतार, और मल
बोल के तुमको समझावते भैया मानो कही हमारे। भैया नारी के चक्कर में काए कुली हो मूड कटाए, चली गई तो चली दान देव दूसरो ब्याह दिए करवाए। और झगड़ा करना उचित नहीं है आला यही रहे समझाए, कहे बेंदुला को चढ़ भैया दादा कट गो ज्ञान तुम्हारे, इज्जत चली जाए मेरे कुल की कैसी बातें रहे बताए। ओ हुकुम कराई तो भोजन में अब न राखी देर लगाए, धीरे धीरे सैयद बोले जो है मियां बनारस क्यारे, एक बात तुमको समझावे मानो मंडली के अवतार। सुविया बेड़िन को बुलवाओ या बना राको देर लगाए, और मजा चखाए दे लक्कड़ सिंह को काए रहे बनारस क्यार। ओ हुकुम सुनाई दो आला ने लश्कर तुरते बहो तैयार। भारी विपत्ति परी मेरे सर पे चल के ले वो विपत्ति निवारी, और तबई सुविया बोलन लागी और मलखे से कही सुनाई कही, और मोई मिलाई दियो यूदल को तब हम चलने को तैयार। और तबई मल के बोलन लागे सुविया चिंता दियो विसार, और जो इच्छा तेरी मन में हुई है पूरी करे लोहरवा भाई। और सुन के बाणी अब सुविया ने पल की देर लगाई नाए, और चिट्ठी पहुंच गई कनवज में लाखन फौजी लई सजाए। महुबे वाली घोड़ा हाथी के लए सजवाए, अरे सर 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 के रब्बा छूटे चंगा बजते हैं साड़ियन क्यार। दिनों की के मंजिल करके पहुंचे कुदर रे कोट में जाए,
आएंगे जगह नहीं है मिलने की, फौज ही यही देव ठहराए। कुर्सी पड़ गई सबई जवान रे बैठ गए जाए। गजमोतिन ढेबे लीजो के तुरंत बुलवाई। प्यारे भक्तों, ढेबा को बुलवाया गया। ढेबा से कहा कि भैया ढेबा, अपना पत्रा खोल करके देखो इस समय गजमोतिन कहां है। अरे खोल पत्रा तब ढेबा ने और याला से जा कई है सुनाई। अरे बन बैरागी के सबई चलियो, इतनी मानो के कही हमार। हम लोग ऐसे नहीं चल सकते क्योंकि फाटक पर बहुत पहरेदार खड़े हैं। इसलिए हम लोगों को अगर गजमोतन को छुड़वाना है तो सभी को वैरागी बनना पड़ेगा। उसी समय भैया हुआ क्या, आज वो महुए वाले जवान अरे याल हमल खे के और रे उदय सिंह संग में सैयद से अरे सरदार। राना के हरे मरदाना नकुला पंडा के रे अवतार। अरे सुबिया सुबिया के उदल डेरे सुबिया मानो के कही हमार। शलवे की अपनो कर ली जोरे श्रृंगार। अरे बड़ बड़ जादू का चंद्र रे बनावे सबके हाथ दिए हैं बंधुवाई। लहंगा पहरो है रे सुविया ने सोवा कछुरे कहीं ना जाए। अरे थोड़ी थोड़ी लाली कई ठन मारी रुच रुच सुविया के रही है लगाई। लेके कजरा के भर लो नजरा देखत मर्द रे गर्द हो जाए। अरे बिंदिया रख लई है रे माथे पे चंदा रूप रे पड़ा दिखलाई। संभाली लए है सुविया ने चुटिया नागिन सिरे लहराए।
सुरे कहीं नहीं जाए। से आए हम मूड़ा वोड़ा
हुए वाले जवाने आज महलन में पहुंचे, दादा महुवे वाले जवाने आज महलन में पहुंचे हैं। हाँ भक्तो, इधर राजा लक्कड़ सिंह सभी महुवे वाले जवानों को लेकर के महलों के अंदर पहुंचता है, लेकिन सुविया ने जवाब दिया है कि महाराज, हम सब बैरागी वशीकरण विद्या जानते हैं। तो लक्कड़ सिंह कहने लगा है सुबिया से, आरे सुन के बानी बा सुबिया की तब लक्कड़ ने कई सुनाई, और मेरे घर में परम सुंदरी सुविया तुमको रहे बताई, और बसीकरण विद्या जानतियो बाप दीजो यरे कराई, और आज सुंदरी मोई मिल जावे चिंता मेरे जिये की मिट जाई, और सुनी की पानी लक्कड़ सिंह की सुविया यूदल कही सुनाई, खटका छोड़ी दियो महाराजा सारो दिए काम बनाई, और इंद्रचाल की विद्या जाने चिंता मती करो महाराज, नाच दिखावे सुविया राजा गौ सुविया पे मोई, ओए कछु समझ में नहीं आवती है राजा की मती कुमती आई गई, और कछु समझ में सर पे बिरारी आई, आए तवई उदल बोलन लागे योर वैरागिन से कही सुनाई, प्यारे भक्तों आज लक्कड़ सिंह उदल से कहने लगे हैं, हे बैरागी तुम्हारे पास में जो बैरागिन है बड़ी सुंदर है, ये बैरागिन मुझे दे दो। हंस के उदल कहने लगे, और हंस के उदल बोलने लगे जा बैरागिन तुम्हें कहाँ है, आई आधे राज दे दे मोको राजा मती लगाइयो देर, ऐसी बातें तूने की नहीं तो को अभी नरक हो जाए, और पक्की योगिन की पिटिया हूँ कैसे बातें रहो बनाई गई, और हाथ जोड़ के लक्कड़ बोलो बाबा
खत्म पहुँच जाए और जो नारी को घर में लाए बाकुदी जो हमें दिखाए और ऐसी विद्या हम जानते हैं सुविया दे रही बात बनाए। सुविया ने जवाब दिया, महाराज आप जो नारी को अपने घर में कैद किए हुए हो उस नारी को जरा हमें दिखाइए। हमारे और धुनी बैरागिन की तुम्हारे सबरे काम दिए बनवाए और इतनी सुन के लक्कड़ सिंह ने तोपे सबई दही गिरवाए और मीठी बानी कही उदल ने तब राजा से कही सुनाए। महल बताए दियो रानी को राजा मानो कही हमार और सुविया को ले लक्कड़ चले वो लई महलनी की सीधा लगाए और सुविया चल भैया आगे को अड्डा बीच पहुंची आए। चलो